प्लीज डोंट बिलीव वॉट यू सी ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आपको बहुत गुडी गुडी सब दिखेगा सोशल मीडिया पे कि इसने ये गाड़ी ले रही है, ये गाड़ी ले ली है, ये मस्टैंग में घूम रहा है, फरारी में घूम रहा है, ये टेस्ला में घूम रहा है. बट जो था कि हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कनाडा की सिचुएशन है जॉब मार्केट की, जॉब मार्केट भी बहुत हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइस, आज का वीडियो मैं बना रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक को मैं सुन सुन के ना परेशान हो चुकी हूँ. मेरे को इतने सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, जो भी मेरे इंस्टाग्राम का डीएम इस क्वेश्चन से भरा हुआ है. सो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो तो बनता है, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन देना चाहती थी कि मैं कैसे, अगर मैं अगर इंडिया में होती तो मैं ये क्वेश्चन को कैसे डील करती या मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ. सो वो क्वेश्चन ये है गाइस कि हर स्टूडेंट मुझे ये मैसेज कर करके पूछता है कि मान्या कनाडा आना सही है या नहीं, कि हमें कनाडा आने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं. तो गाइज, ये क्वेश्चन लिटरली मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ एंड मैं आंसर दे दे के भी थक चुकी हूँ. तो मैंने सोचा इस पे तो एक वीडियो बनाऊंगी ही मैं, कि मैं क्या सोचती हूँ. तो वीडियो एंड तक देखना एंड देखते हैं कि कनाडा में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टूडेंट्स को अब कनाडा आना चाहिए या नहीं. सो वीडियो एंड तक देखना. अब चलते हैं आगे. सो फर्स्ट, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको कनाडा आना हो तो सबसे पहला अपनी पेरेंट्स की सुनो गाइज. आपके पेरेंट्स जो डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं एंड जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उनकी सुनो, क्योंकि उनसे बेटर एडवाइस आपको कोई नहीं देगा. एंड अगर वो लोग बोल रहे हैं कि बेटा बच्चा कनाडा तू हमारे पास ही रह, तो प्लीज़ चुपचाप अपने मम्मी पापा के पास ही रहो. और ये मेरी सबसे पहली टिप है, क्योंकि अगर मैंने तो सुनी तो क्या नहीं, मैं भी अगर मेरी तो मॉम का ड्रीम था कि मैं कनाडा हूँ, बट अगर मेरे को बोलते कि मत जा या फोर्स करते कि मत जा, तो मैं लिटरली नहीं आती. मैं वहीं पे कुछ नहीं करती चलता, बट कुछ तो कर ही लेती वहीं पे, बट मैं नहीं आती कनाडा. बट ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हूँ. आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड लेट्स सी वॉट हैपन्स इन द फ्यूचर. बिकॉज एक बार हमें लगता है यहाँ आके कैसे लाइफ बिल्ड करेंगे, बट एक जब हम यहाँ आ जाते हैं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, तो हमें और ऑब्वियसली फिर वापस जाने का मन नहीं करता. क्योंकि जब हम डॉलर में अर्निंग करने लगते हैं तो किसी का मन नहीं करता कि वापस जाए इंडियन रुपीज़ में अर्न करें. फिर हमें यही दिखता है कि हम और कोई अच्छी करेंसी में अर्न करें, जो कि US डॉलर्स ही है. सो ये है फर्स्ट, अपनी पेरेंट्स की सुनो, वो जो एडवाइस दे वो मानो और चुपचाप उनके एडवाइस सुन के अपना डिसीजन लो. सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, इट्स ऑल अप टू यू गाइस. क्योंकि पेरेंट्स भी बोल देंगे आपको जाना चाहिए या नहीं, बट ये आपका खुद का डिसीजन है. अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कनाडा जाके, तो आपको डेफिनेटली कनाडा चूज़ करना चाहिए, कोई भी अब्रॉड कंट्री चूज़ करनी चाहिए. बट अगर आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, बाहर क्यों जाना है, क्या कोर्स करना है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो कोई फिर सेंस नहीं बनता कनाडा या कोई भी अब्रॉड कंट्री जाने का. क्योंकि आप जो इंडिया में कर रहे होगे वो आप यहाँ आके करोगे, एंड इससे आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वेस्ट ही होना है. थर्ड, मैं ये बताना चाहूँगी, आस्क पीपल फॉर एडवाइस. लोगों से बात करो, जो लोग कनाडा गए हैं, जो लोग जाने वाले हैं. कंसल्टेंसीज इतनी सारी है, बहुत लोग हैं जो आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी होंगे. तो लोगों से बात करो. मेरा एक ही ये मैं कहना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे, लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करो, पूछो कि क्या है रियलिटी, क्या, जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे एंड आपको पता चलेगा कि हाँ ये बोल, मतलब हर पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होगा हर अब्रॉड कंट्री के बारे में. सब जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे आपको हर अलग अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा, तो आप अपना डिसीजन उतना इजीली ले पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है. आप सबका सुनो, सारा लिस्ट डाउन करो एंड देन अपना डिसीजन लो. फोर्थ, कभी भी सोशल मीडिया पर मत बिलीव करो. मैं खुद यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ, बट मैं फैक्ट बता रही हूँ कि प्लीज़ डोंट बिलीव वॉट यू सी ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आपको बहुत गुडी गुडी सब दिखेगा सोशल मीडिया पे कि इसने ये गाड़ी ले रही है, ये गाड़ी ले ली है, ये मस्टैंग में घूम रहा है, फरारी में घूम रहा है, ये टेस्ला में घूम रहा है. बट अगर आपने एक मूवी आई थी दुनकी वो देखी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा ये क्या है, एक ट्रैप है बेसिकली. एंड मतलब सोशल मीडिया पे तो कभी मत बिलीव करो, क्योंकि जो फेस पे दिखता है वो रियलिटी में कुछ और होता है. जो वो लोग फेस पे हम लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी है, इतनी हैपनिंग है, हम मज़े कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, बट उसके
जो बैक रियलिटी है वो कोई डिफरेंट ही होती है. सो सोशल मीडिया पे भी बिलीव करने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज़ ट्रू व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया. सो गाइज, ये था. एंड जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि अगर आपको पता है आपको क्या करना है बाहर आके, आपका आपने अपने माइंड में ये पूरा प्लान एक बना लिया, एक आउटलाइन बना लिया कि आपके पास पूरा प्लान रेडी है कि आपको ये करना है जाके वहाँ, एंड आपका एकदम सॉलिड कोर्स है जिसकी डिमांड बूमिंग ही है वो कोर्स, मतलब वो कभी डाउन जाने नहीं वाला, आपको पता है, एंड उसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को चूज़ करना चाहिए कनाडा. एंड ना चूज़ करने का फिर कोई रीज़न ही नहीं बनता. अगर आपको सैलरी पैकेज भी, आप अगर सेम चीज़ इंडिया में करोगे एंड उसकी वैल्यू अगर बाहर ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली वो उस चीज़ के लिए निकल जाना चाहिए अपने घर से. एंड कुछ लोगों को ये भी होता है कि यार हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाएंगे, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. अगर आप नहीं कर पाओगे देन आप लोग को नहीं आना चाहिए, एंड फिर आ गए हो तो ये क्रिप नहीं करना चाहिए कि यार घर वापस जाना है, घर वापस जाना है, क्यों आ गए क्यों आ गए. भाई देखो, आपको कोई, देखो, ज़बरदस्ती कोई नहीं भेजेगा कनाडा. जो भी होगा आपके पेरेंट्स भी आपको कितना समझाएंगे, एट द एंड डिसीजन वो लोग भी आप पे छोड़ देंगे कि तेरे को जो करना हो कर, हमने ये बता दिया, अब तेरे पे है, पैसे हम लगा देंगे, आगे तुझे देखना है. तो फिर यहाँ आ गए, फिर ये नहीं रोना कि जॉब नहीं मिल रही, खाना नहीं बनाना आता, सारे काम नहीं हो रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, बजटिंग नहीं हो रही, फिर ये रोना धोना नहीं करना है. इसीलिए जब प्लान कर रहे हो तभी सारे सारी चीज़ों को ध्यान रख के अपना डिसीजन लो. एंड मैं ये डरा नहीं रही है, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि इंडिया में जब मैं भी थी मेरे को भी पता था कि ये सब मुझे करना पड़ेगा, कोई मम्मी पापा नहीं आने वाले. तो एक मेंटल मैंने खुद को उतना उधर ही स्ट्रांग बना लिया था, उधर ही सारा काम सीख लिया था करना कि मुझे यहाँ आके कोई डिफिकल्टी ना हो, एंड टचवुड मुझे कोई दिक्कत नहीं आती खाना बनाने में या फिर सब कुछ मैनेज करने में स्टडीज के साथ भी. तो मुझे पता है क्योंकि मैं इंडिया से ये सब करती आ रही हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे सब बैलेंस करना है. एट लास्ट एक क्लाइंट, अगर आप ये सब जो मैंने बोला वो फेस करने के लिए रेडी हो, सारे स्ट्रगल्स करने के लिए रेडी हो, देन गाइज यू कैन कम टू कैनेडा. एंड जस्ट थिंक, खुद की सुनो, मतलब हाँ लोगों से बात भी करो, बट एट द एंड खुद का डिसीजन लो कि आपको क्या करना चाहिए. जस्ट डोंट बिलीव ऑन सोशल मीडिया, एक बार वापस कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सही नहीं होता जो बताते हैं. एंड कोई भी फेक न्यूज़ पे विश्वास मत करो, क्योंकि कनाडा के रूल सच में अभी बहुत चेंज हुए हैं. जो पीआर स्कोर है, सीआरएस स्कोर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड जिनका एंड गोल पीआर का है वो लोग तो भाई देख के आना, क्योंकि पीआर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. एंड कुछ कुछ प्रोविंस में तो अब बंद ही कर दिया कि लोग सोचते थे हम एल्बर्टा मूव हो जाएंगे, ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो जाएंगे, तब उधर भी आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ के किसी पीआर से शादी कर लो, उसे पटा लो, एंड देन फिर पीआर हो जाए, एंड देन डिवोर्स. अगर ये है तो फिर तो भाई आ जाओ अगर ये करना चाहते हो, बट पीआर अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स नहीं बन पा रहे तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल यहाँ रहने के बाद भी. सो ये भी एक है, अगर आपका एंड गोल पीआर है तो बहुत सोच समझ के आना. थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये आपका एक क्वेश्चन जो था कि हमें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कनाडा की सिचुएशन है जॉब मार्केट की, जॉब मार्केट भी बहुत डाइसी हो चुका है, यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिलती है इजिली, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 8 8 9 9 महीने से अनएम्प्लॉयड है. सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आओ, क्योंकि कनाडा इज़ नॉट दैट कनाडा व्हाट इट वाज इन 2021 और 20, बट नाउ इट द रियलिटी इज़ लाइक डिफरेंट. सो जस्ट थिंक एंड मेक योर डिसीजन वाइसली गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको पसंद आया हो, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं देनी थी, जस्ट एक रियलिटी चेक कि आपको अपना डिसीजन कैसे लेना हो. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा क्रेजी आने वाला है, जॉब के रिलेटेड ही आने वाला है. सो वो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय फॉर नाउ.